अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदेद कहते हैं। आज हम सेकंड क्लास का बायोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मतलब सर्दी है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, इसी तरह बहुत ज्यादा बारिश है और उसके बाद ड्राई सीजन आ जाता है। ये जो है, ये है फ्लक्चुएशन, एनवायरमेंट की फ्लक्चुएशन। अब हर ऑर्गेनिज्म अपनी आप को प्रोटेक्ट करता है अंदर के एनवायरमेंट को, कि बॉडी के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। किस चीज से प्रोटेक्ट किया जाए? बाहर के एनवायरमेंट में जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, वो जो बाहर वाली तब्दीलियां हैं वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किस चीज से प्रोटेक्ट करना? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियां हो रही हैं उन तब्दीलियों से अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये होम्योस्टेसिस कहलाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि देखिएगा डेफिनेशन क्या है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के बाहर के एनवायरनमेंट की तब्दीली उसे नुकसान ना पहुंचाए, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे कि ऑर्गेनिज्म का बाहर की तब्दीली के खिलाफ अपनी बॉडी के अंदर के निजाम को प्रोटेक्ट करना, के बाहर की तब्दीली उसके लिए नुकसानदेह ना हो, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में किया क्या जाता है कि बाहर की तब्दीली जो है वो वाइड रेंज, या सपोज करें टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री से चला गया है 30 डिग्री तक, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपना बॉडी टेम्परेचर एक नैरो रेंज तक जो है वो तब्दील होने देता। फर्ज करें वो 15 से 16 डिग्री तक आने देगा, जबकि एक्सटर्नल में कितनी तब्दीली हुई है? 5 से 30। तो उसने इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको नैरो रेंज में मेंटेन किया, उसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। इसी तरह अगर टेम्परेचर आता है 30 से 5 पे, तो वो अपने बॉडी का सिस्टम ऐसे कंट्रोल करेगा कि वो शायद 16 से 15 पे आए, 1 डिग्री का फर्क आए, जबकि बाहर जो है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस तरह इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज में कंट्रोल किया जाता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशन। अब होता क्या है, देखिए होम्योस्टेसिस में, इन होम्योस्टेसिस इंटरनल फ्लक्चुएशन इज कैप्ट इन नैरो रेंज। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर का एनवायरनमेंट है उसकी जो तब्दीली है उसको एक नैरो रेंज में रखा जाता है, और उसको रखने के लिए सिस्टम मौजूद है बाय अ कंट्रोल सिस्टम। बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम है जो उसको एक नैरो रेंज में रखते हैं और अंदर के एनवायरनमेंट को तब्दील नहीं होने देते। अब वो कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से हैं? वो 3 सिस्टम है जी, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन। इसको देखते हैं एक एक। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, और थर्मोरेगुलेशन क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पानी की मिकदार और जो भी साइल्यूट है उनकी मिकदार को एक नैरो रेंज में रखता है, तकरीबन कांस्टेंट रखता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेन वाटर एंड साइल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बाहर चाहे पानी की मिकदार कम हो एनवायरमेंट में या ज्यादा हो, बाहर कोई साइल्यूट कितनी मिकदार में है नहीं है, ये इसका काम क्या, ऑस्मोरेगुलेशन का, ये जो एनवायरमेंट है अंदर का बॉडी का उसको इस सिचुएशन में रखता है कि अगर बाहर पानी बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, इसने अंदर का एनवायरमेंट ऐसा रखना है कि पानी की मिकदार अंदर उस क्वांटिटी में रहे जो कि बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, ना उससे कम हो लेवल से ना उससे ज्यादा हो।
तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें बॉडी के अंदर किस किस चीज को रेगुलेट किया जाता है, वाटर की मिकदार को और सॉल्यूट की मिकदार को। दूसरे नंबर पे आ गई एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, आपको पता है कि बॉडी के अंदर मुस्तकिल तौर पर बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं जो वेस्ट मटेरियल है, उनको खारिज करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मुस्तकिल तौर पर पैदा होती है और उसको खारिज करना है, अगर खारिज नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ताकि अंदर का टेम्परेचर जो अंदर का एनवायरमेंट है वो कांस्टेंट रहे और वहां किसी चीज की मिकदार जरूरत से ज्यादा ना हो। अब थर्मोरेगुलेशन क्या है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा वो भी नुकसानदेह है और बहुत ज्यादा होगा वो भी नुकसानदेह है। तो थर्मोरेगुलेशन क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, एक नैरो रेंज में रखेगा। थर्मोरेगुलेशन इज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट अ नैरो रेंज। ये हो गया ऑर्गेनिज्म लेवल पे कि बाहर के एनवायरमेंट में तब्दीली होती रहे लेकिन बॉडी के अंदर के एनवायरमेंट में जो तब्दीली है वो नैरो रेंज में है। होमियोस्टेसिस करने वाले जितने भी सिस्टम है उनकी जो काम करने की बुनियाद है वो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। समझिएगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। देखिएगा जब भी होमियोस्टेसिस करनी होती है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें तीन चीजें हिस्सा लेती हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और एफेक्टर्स। रिसेप्टर्स जिन्होंने तब्दीली को महसूस किया, बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड जो ऑर्गन ठंड को महसूस करेंगे वो होंगे रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ठंड का मैसेज कहां पे पहुंचाएंगे, कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उस ठंड को कंट्रोल करने के लिए अफेक्टर को ऑर्डर देगा। ये तीन कंपोनेंट है, चाहे थर्मोरेगुलेशन करनी हो, चाहे ऑस्मोरेगुलेशन करनी हो या एक्सक्रीशन करनी हो। अब हमने क्या समझना, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है। फर्ज करें सर्दी हो गई है, सर्दी हो गई है तो रिसेप्टर ने क्या चीज रिसेप्ट की, कोल्ड, सर्दी उन्होंने महसूस की, उन्होंने क्या किया, कंट्रोल सिस्टम सेंटर को जो है मैसेज भेजा कि सर्दी है। तो सर्दी है तो कंट्रोल सिस्टम इसको क्या कहेगा, हीटिंग मैकेनिज्म ऑन कर दे। क्या कहेगा, हीटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो। तो रिसेप्टर ने क्या चीज महसूस की, कूल, और जो मैकेनिज्म ऑन हुआ वो क्या था, हीटिंग मैकेनिज्म, कूल के अगेंस्ट हीटिंग मैकेनिज्म, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। कूल अगर सर्दी महसूस की है तो हीटिंग मैकेनिज्म ऑन होगा, इसका अपोजिट हो, अगर ये बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करें हीट, रिसेप्टर कहेंगे कंट्रोल सेंटर को कि गर्मी है और ये क्या इसको ऑर्डर देगा, ये ऑर्डर देगा कि कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करे। रिसेप्टर ने क्या महसूस की, हीट, और अफेक्टर ने कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट किया, कूलिंग मैकेनिज्म। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, हीट के अगेंस्ट कूलिंग मैकेनिज्म ऑन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। तो यहां हमने तीन कंपोनेंट पढ़े और नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ा कि रिसेप्टर जो चीज महसूस करेंगे अफेक्टर उसका नेगेटिव फीडबैक देंगे। नेगेटिव फीडबैक क्या है, हीट के अगेंस्ट कूलिंग मैकेनिज्म का ऑन होना, ये अफेक्टर्स का नेगेटिव फीडबैक है। तो जो ये सारे होमियोस्टेसिस करने वाले जो सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक के तहत काम करते हैं। तो यहां हमने देखा होमियोस्टेसिस क्या है, होमियोस्टेसिस करने वाले तीन सिस्टम हमने पढ़े जिसमें था ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन, और
ये किस बुनियाद पर काम करते हैं, ये काम करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बुनियाद पर। आज के लिए इतना ही, आगे हम इस जो चैप्टर है इसको टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।